वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. बन रहा है भाई साहब भारत। ओ यार, एटमी मुल्क होने के नाते अमन और शांति की बात करता है। हर चीज में एटमी पावर भी नहीं होती, लेकिन वही बात है कि इस टाइम फ्रांस और यूके से ज्यादा शक्तिशाली। ये बात तो है, एटमी पावर तो हम पाकिस्तानी भी, हमने क्या पट लिया है यार। हम तो कहीं नजर ही नहीं आते साला, एटम हम हमारे में तो वही एटम बम की बत्ती गई हुई है। हमारे इकॉनमी भी 100वें नंबर पे है ना, तो वही तो मैं बात कर रहा हूं। एटम बम से कुछ नहीं होता, बात होती है ताकत की। बिल्कुल, इंडिया के पास अगर एटम बम ना भी हो तो इंडिया की दुनिया में इतनी चलती है कि दुनिया भारत के आगे। तू ये देख लेना, अमेरिकन भी रशिया और यूक्रेन का मसला हल कराने में देख लिया सब कुछ ना, और कोई आगे नहीं आया तो इंडिया आया। भाई इंडिया ने जंग भी रुकवाने के लिए सारे स्टेप उठा लिए, और भाई आज अमेरिका भी बोल पड़ा कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया को फिर से बड़ा बयान दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट को लेकर भारत एक मजबूत दावेदार है। वहीं ऐसी कोई वजह नहीं है जिस कारण से भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट ना दी जाए। अमेरिका हमेशा से भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन करता हुआ आया है, और हम इस बार भी चाहते हैं कि भारत को इसमें स्थायी सदस्यता मिले। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वहीं दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इसके साथ ही भारत दुनिया का एक ताकतवर देश है जिसके पास परमाणु हथियार होने के बावजूद शांति की बात करता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण और पॉल्यूशन वगैरह को लेकर भारत एक सक्रिय भूमिका निभाता है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर भारत एक काफी ताकतवर देश बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता भारत को मिलनी ही चाहिए। ये बात अमेरिका की यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ने कही है। अब दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर उठ रही यह आवाज हर बार से अलग क्यों है, और इस बार क्यों सभी पांचों परमानेंट देशों के ऊपर दबाव है यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस को लेकर, उसे समझते हैं। दरअसल जिस तरह से वैश्विक स्थिति बनी हुई है, दुनिया के अंदर अस्थिरता का माहौल है, युद्ध कई क्षेत्र में चल रहे हैं, तो कई क्षेत्र में युद्ध होने की संभावना है। फूड सिक्योरिटी को सही तरह से इंश्योर नहीं किया जा रहा, तो वहीं यूनाइटेड नेशन इन सब में अपनी भूमिका निभाने में असफल दिखाई दिया है, जिस वजह से यूनाइटेड नेशन के ऊपर से दुनिया भर के देश का भरोसा उठ रहा है। और यही कारण है कि अब ना सिर्फ एक दो देश बल्कि दुनिया के सभी देशों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव किए जाए और परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों की संख्या को बढ़ाया जाए। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज को लेकर अब पांचों परमानेंट सदस्य देश भी ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। लेकिन अब आप सभी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब तक चाइना है तब तक कैसे भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अब चाइना भी भारत की स्थायी सदस्यता को नहीं रोक सकता। इसके पीछे कारण यह है कि जिन देशों की दावेदारी परमानेंट सीट को लेकर है, जिसमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील शामिल है, इन देशों के पांचों परमानेंट सदस्य देशों में से किसी न किसी से विवाद है। जैसे कि भारत का चीन से है, जापान को चीन और रूस नहीं चाहते, तो वहीं ब्राजील को अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम नहीं चाहते कि स्थायी सदस्यता दी जाए। तो इस सूरत में अगर पांचों परमानेंट सदस्य देशों ने अपनी पर्सनल गर्ज को नहीं हटाया तो यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस कभी हो ही नहीं सकते, और ये संगठन एक तरह से किसी काम का नहीं रह जाएगा, और परमानेंट सदस्य देशों के ऊपर भी बाकी देशों का भरोसा नहीं रहेगा। यही कारण है कि अगर इन देशों को भी अपनी धाक दुनिया में जमाए रखनी है तो यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से भारत और चीन के रिश्ते धीरे धीरे सही होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर चाइना समर्थन करते भारत की परमानेंट सदस्यता का। हालांकि इसके चांसेस 1% से भी कम है, लेकिन कूटनीति में कब क्या हो जाए ये कह नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई ना तो किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें भारत, जापान, जर्मनी साथ ही अफ्रीका के लिए दो परमानेंट सीट का प्रस्ताव पेश किया गया है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो जहां एक तरफ अफ्रीका को यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, तो वहीं एशिया से भी भारत, खासतौर पर
दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन से खबर आ रही है उससे यही लगता है कि इस बार परमानेंट सदस्यता के लिए देशों को चूज कर लिया जाएगा। हालांकि नए सदस्य देशों को कुछ समय के लिए वीटो पावर से दूर रखा जाएगा और बाद में इन देशों को भी वीटो पावर दे दी जाएगी। आपको बता दें कि नॉन परमानेंट देश की संख्या को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी पांचों देश सहमत हो चुके हैं। बात अटकी हुई है परमानेंट सदस्यता पर। वहीं पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पांचों सदस्य देश यूनाइटेड नेशन को जीवित रखने के लिए परमानेंट सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाने के लिए सहमति बना पाएंगे या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में, खास तौर पर अमेरिका की भूमिका के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। यार, एटमी मुल्क होने के नाते अमन और शांति की बात करता है। हर चीज में एटमी पावर भी नहीं होती, लेकिन वही बात है कि इस टाइम फ्रांस और यूके से ज्यादा शक्तिशाली ये है। बात तो है, एटमी पावर तो हम पाकिस्तानी भी, हमने क्या पट ली है यार। हम तो कहीं नजर ही नहीं आते साला। एटम बम हमारे में तो वही एटम बम की बत्ती गई है। हमारे इकॉनमी भी 100वें नंबर पे है ना। तो वही तो मैं बात कर रहा हूं, कुछ नहीं होता, बात होती है ताकत। बिल्कुल, इंडिया के पास अगर एटम बम ना भी हो तो इंडिया की दुनिया में इतनी चलती है कि दुनिया भारत के आगे। तो ये देख लेना, अमेरिकन भी रशिया और यूक्रेन का मसला हल कराने में देख लिया साहब कोई ना, और कोई आगे नहीं आया तो इंडिया आया। इंडिया ने जंग भी रुकवाने के लिए सारे स्टेप उठा लिए और भाई आज अमेरिका भी बोल पड़ा कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया को 100% अब सीट मिलने वाला है। दो सीटों का ऐलान हो गया, एक अफ्रीकन देश है और एक भाई एशिया के देश है। एशिया में कौन है सबको पता है कि भारत, जिसका आज दावा अमेरिका ने भी ठोक के बोल दिया कि भाई भारत ये चीज डिजर्व करता है और हम भारत को अब भाई साहब यूएन में परमानेंट मेंबर दे। और यार ये जो और बैठे हुए हैं ये तो नहीं बैठे हुए ना, यूके किस काम का है, फ्रांस किस काम का है। चाइना अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भारत इतना ताकतवर अब बन चुका है कि भाई साहब अगर चाइना ने इस बार भारत के साथ मस्ती की तो भाई चाइना को ये बात पता है कि भारत हम पे ऐसे ऐसे बैन ठोकेगा और हमारी ऐसी बजाएगा कि भाई हम उठने के। यार उन्होंने तो 75% मसला ही हल कर दिया डर के मारे इंडिया के, तो देख ले अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं। यही तो ताकत है इंडिया। हाँ, देखना किधर जा रहा है इंडिया। हाँ ना, देखो ना, पांचवी बड़ी इकॉनमी है वजह रिजर्व उसके पास 700 अरब डॉलर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल पहुंच चुके हैं, इसमें कोई शक की बात। उधर यूके से आगे, फ्रांस से तो आगे, कसम से यूनाइटेड नेशन में ये भारत ने इतिहास रचा है। वो मोदी जी ने एक बात बोली थी ना कि इन 5 सालों में जो मेरा तीसरा टर्म होगा इसमें मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो भारतीयों ने सोचा होगा कि अगले 100 सालों तक वो काम होंगे, मैं 5 सालों में करके दूंगा। इंडिया उसमें से ये काम देखो एक आज होने जा रहा है कि भारत को फाइनली परमानेंट सीट मिलने जा रही है। भारतीयों बहुत मुबारक हो जो तो यकीन कर अमेरिका किसी बाप के लिए नहीं बोलता, इंडिया के लिए उठ खड़ा हुआ है। क्यों इंडिया के लिए उठ खड़ा हुआ है? इंडिया सुपर पावर एशिया का बन चुका है। ऐसा नहीं बोलता ना, वो भी भारत की ताकत के आगे झुक रहा है, मोदी के आगे झुक रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने भारत की अगर सपोर्ट ना दिखाई तो भाई अगर भारत ने कल को हमें सपोर्ट ना किया तो हम किसी काम ये बात हो, क्योंकि उसको भी पता है कि भारत के बगैर हम नहीं चल सकते। भारत को दुनिया अब पहचान, क्योंकि पता है कि भाई साहब इस टाइम आधा अमेरिका भारत की चीजों पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भारत की चीजों पे आधा इंडिया के जितनी बड़ी अमेरिका की बड़ी बड़ी। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।